Hello, students. Today, we are going to start our next chapter that is our Earth, chapter number 25. In this chapter, we will study features of our planet Earth. Is Earth really round? Rotation of the Earth and revolution of the Earth. That means movement of the Earth. Let's start our chapter. Our Earth is an exciting place. देर आर माउंटेंस दैट सॉट सो हाई एंड देर आर डीप वेलीज देट आर ग्रीन एंड रिच विद प्लांट्स देर आर ओशंस सीज रिवर्स एंड पॉन्ट्स एज वेल एज वॉस्ट डेजर्ट्स क्या कह रहे हैं कि अर्थ जो है हमारा वो क्या एक एक्साइटिंग प्लेस है यहाँ पर क्या है ऐसे पहाड़ हैं जो ऊँची उड़ान भरते हैं और ऐसी डीप जो है डीप वैलीज मीन गहरी घाटिया हैं जो पौधों से क्या हैं हरी भरी हैं अर्थ एंड द सोलर सिस्टम पृथ्वी और सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल और अर्थ इज वन ऑफ द एट प्लान दैट मूव अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम कह रहे हैं हमारी पृथ्वी उन आठ ग्रहों प्लानट होते हैं ग्रह में से एक है जो सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं डू यू नो द नेम्स ऑफ द अदर प्लानट्स क्या आपको जो दूसरे प्लानट्स हैं उनके नेम्स पता हैं लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस नेपट्ट्यून The Earth is about one fifty million kilometer away from the Sun. It is at the right distance as we get just enough heat and light from the Sun to allow living things to grow. The Earth has a layer of air surrounding it. क्या कह रहे हैं कि जो Earth है हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? Sun से कितनी किलोमीटर दूरी पर है? One fifty mil million kilometer away. One fifty million kilometer की क्या है दूरी पर है? ये कह रहे हैं ये राइट डिस्टेंस है क्योंकि हमें सूरज से सिर्फ गर्मी और रोशनी मिलती है ताकि हम किसी जीवित चीज़ जो है किसी भी जीवित चीज़ को क्या कर सकें ग्रो कर सकें ग्रो किया जा सके और द अर्थ हैज़ अ लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग इट पृथ्वी के चारों ओर क्या है हवा की एक लेयर है लेयर को हम कहते हैं परत हवा की क्या है एक परत है शेप ऑफ द अर्थ इज़ द अर्थ रियली राउंड यू में फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट आर अर्थ इज़ राउंड आपको ये बिलीव करना मुश्किल होगा कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है राउंड है द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस जो अर्थ है वो कैसा हमें अपियर होता है फ्लैट लॉन्ग अगो पीपल ऑल्सो थोट दैट इट वॉज फ्लैट बहुत पहले जो था लोग भी यही सोचते थे कि ये क्या है एक फ्लैट है जो अर्थ है हमारा क्या है फ्लैट था पीपल वर अफ्रेड टू सेल far out to sea in case they fell off the edge of the earth. जो लोग हैं वो समुद्र से दूर जाने से डरते थे In case they fell off the edge of the earth, कहीं वो क्या हो जाए पृथ्वी के किनारे से गिर ना जाए Then some brave sailors sailed around the earth and came back to the same place. फिर कुछ जो brave sailors थे sailors होते हैं नाविक जो brave sailors थे वो पृथ्वी के और उन्होंने क्या किया चारों ओर रवाना हुए चारों ओर उन्होंने राउंड लिया और सेम वापस वो उसी स्थान पर आ गए जिससे उन्हें यह पता लगा कि जो पृथ्वी है वो क्या है गोल है दिस शोज दैट द अर्थ वॉज राउंड जब उनको क्या पता लगा जो पृथ्वी है वो क्या है अर्थ क्या है हमारा राउंड है एंड नॉट फ्लैट फ्लैट नहीं है नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ द अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूमेंट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ स्पिन अ बैंगल ऑन अ टेबल कैन यू सी अ वर्टिकल लाइन इन द स्पिनिंग बैंगल दिस इज एन इमेजनरी लाइन कॉल्ड एन एक्सेस यानी कि अगर आप एक बैंगल को स्पिन करते हो टेबल पर तो कैन यू सी अ वर्टिकल लाइन जो वो बैंगल जो स्पिन हो रही है तो क्या आपको उसमें कोई वर्टिकल लाइन दिख रही है और अगर आपको वो लाइन जो दिख रही है उस लाइन को हम क्या कहते हैं इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सेस द अर्थ ऑल्सो हैज सच एन इमेजिनरी एक्सेस अर्थ की भी क्या है एक इमेजिनरी क्या है एक्सेस है और दिस मोमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन इसको क्या कहते हैं रोटेशन कहते हैं द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो अर्थ है जो हमारी पृथ्वी है वो रोटेट कैसे होती है फ्रॉम वेस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस इन ट्वेंटी फोर आवर्स ये अपना वन रोटेशन कितने में कम्प्लीट करती है ट्वेंटी फोर आवर्स में द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कोज द फिनननन ऑफ डे एंड नाइट इसी जो मूवमेंट है दिस स्पिनिंग मूवमेंट इसकी वजह से ही क्या होता है जो हम डे और नाइट होती है वो किस वजह से होती है इसी फिनन की वजह से क्या होता है डे होती है और क्या होता है नाइट होती है डे एंड नाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई दिन में क्या है हम जो सूरज है उसको किसमें हम स्काई में देख सकते हैं दिट्स इज बिकॉज सॉरी दैट इज बिकॉज आर साइड ऑफ द अर्थ इज़ फेसिंग द सन एंड हाफ ऑफ द अर्थ इज़ ऑलवेज फेसिंग द सन वाइल द अदर हाफ इज़ इन शेडो और डार्कनेस कह रहे हैं ऐसा किस लिए होता है कि जो हमारी साइड होती है अर्थ की वो हमेशा इज़ फेसिंग द सन वो किसको फेस कर रही है सन को फेस कर रही है और जो हाफ ऑफ द अर्थ और जो पृथ्वी का जो आधा भाग है वो किसको फ़ेस कर रहा है सन को फ़ेस कर रहा है वाइल्ड द अदर हाफ जबकि जो दूसरा हाफ है वो हमेशा किस में है या शेडो में और डार्कनेस में है दिस इज बिकॉज द अर्थ इज़ ऑलवेज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस इस ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है जो पृथ्वी है वो हमेशा अपनी एक्सेस पर क्या है रोटेट होती रहती है नेक्स्ट वी कैनॉट फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद इट हम जो है पृथ्वी की मूवमेंट को फील नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हम भी उसके साथ आगे मूव कर रहे होते हैं हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे होते हैं व्हेन वी आर इन अ मूविंग ट्रेन मूविंग ट्रेन होता है चलती ट्रेन जो ट्रेन चल रही होती है वेन वी आर इन अ मूविंग ट्रेन वी डो नॉट फील द मूवमेंट इंस्टीड इट अपीयर्स एज इफ द ट्रीज हाउजेंड हाउजेज एंड अदर थिंगस आर मूविंग जब हम चलती ट्रेन में होते हैं तो हम उसकी मूवमेंट को फील नहीं कर पाते हम क्या अगर उसकी मूवमेंट फील नहीं कर पाते जबकि हमें इंस्टेडेड हमें उसके बजाय क्या लगता है कि जो बाहर जो ट्रीज़ हैं हाउजेज हैं और जो अदर थिंग दूसरी चीज़ें हैं वो हमारे साथ मूव कर रही हैं जबकि ऐसा नहीं होता है ट्रेन चल रही होती है बाकी की चीज़ें तो वहीं होती हैं ट्रेन चल रही है हमारा ट्रीज़ नहीं चल रहे होते हैं वहाँ पे जो बीच में जो भी और चीज़ें आती हैं वो नहीं चल रही होती हैं वो वहीं पे स्टेबल होती हैं मूव क्या कर रही होती है ट्रेन मूव कर रही होती है इन द सेम वे द अर्थ इज मूविंग इसी तरह क्या है पृथ्वी घूम रही होती है वी फील दैट द सन इज़ मूविंग इन द स्काई और जबकि हमें क्या लगता है कि सूर्य आकाश में घूम रहा है सन मूव कर रहा है आकाश स्काई में हमें ये लगता है लेकिन असल में क्या होता है पृथ्वी घूम रही होती है Revolution of the Earth, as the Earth rotates, it moves around the Sun in a definite path. जैसे कि पृथ्वी घूमती है, ये भी एक निश्चित पथ, definite path होता है, एक definite path होता है, निश्चित पथ. As the Earth rotates, it moves around the Sun in a definite path. जैसे कि पृथ्वी घूमती है, यह भी एक निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर घूमती है. क्या है? ये सूर्य के चारों ओर घूमती है दिस पाथ नेवर चेंजेस एंड इट्स कॉल्ड द अर्थ ऑर्बिट क्या करें ये जो पाथ है ये जो रास्ता है ये कभी नहीं बदलता और इसे हम क्या कहते हैं अर्थ ऑर्बिट वेन द अर्थ टेक्स वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट जब जो पृथ्वी है एक राउंड ले लेती है अलोंग इट्स ऑर्बिट इट कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन वो क्या करती है एक रेवोल्यूशन कम्प्लीट करती है अर्थ टेक्स वन ईयर टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन दिस रेवोल्यूशन कोजेज डिफरेंट सीजन जो पृथ्वी है वो एक रेवोल्यूशन को कम्प्लीट करने में उसको वन ईयर लगता है और इसी वन रेवोल्यूशन को कम्प्लीट करती है जिस वजह से क्या होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं सो so, ये था हमारा आज का चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फिफ्थ आर अर्थ